लालू प्रसाद जी जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में, वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। ये चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही 54 वर्षीय एक नौजवान विरोधी दल का नेता जब दूसरे देश में जाता है तो स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है। जब स्वर्गीय कपूरी ठाकुर, भारत रत्न कपूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण अडवाणी जी ने समर्थन देकर, 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहां पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में, वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं थी, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार रहती है साथ, तब तब आरक्षण देने का काम करती है। इसलिए पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए, ये चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही हैं। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की उम्र में जब अमेरिका गए तो दुनिया को यह संदेश गया कि भारत का यह साधु पूरी तरह ज्ञान का सागर लेकर आया। और यहां 54 वर्षीय एक नौजवान विरोधी दल का नेता जब दूसरे देश में जाता है तो स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है। आरक्षण के विरोधी हैं, भारत को अलगाववादियों के साथ ले जाना चाहते हैं, भारत को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आरक्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है।